राज, कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार शैयार होकर? अब अच्छे स्कूल ढूंढना है मुझे अपने बेटे जतिन के एडमिशन के लिए, तो घर से जल्दी तो निकलना ही पड़ेगा। तुम तो जानते हो कई चक्कर लगाने के बाद जाकर कोई अच्छा स्कूल हाथ लगता है। तुम बेकार ही इतनी भागा दौड़ी कर रहे हो राज, अपने शहर में इतना बेहतरीन स्कूल है तो सही, लिटिल इंटरनेशनल स्कूल। ऐसा क्या खास है इस स्कूल में? अरे भाई, अपने फिरोजाबाद शहर का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स डे फंक्शन इन्होंने ही तो ऑर्गेनाइज करवाया था, और साथ ही इनकी न्यू विंग भी ओपन हो गई है, और कुछ टाइम में इनका न्यू प्लेग्राउंड भी ओपन होने जा रहा है। और तो और, ये प्रतिष्ठित हैं अपनी स्मार्ट क्लासेस, एक्सीलेंट टीचिंग स्टाफ, बेहतरीन सिक्योरिटी, बेटर टीचिंग मेथड्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब जब लिटिल इंटरनेशनल स्कूल है तो किसी और स्कूल में एडमिशन क्यों लेना? थैंक्स आयुष, मैं आज ही जाकर इनसे एडमिशन के लिए बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल, आज ही विजिट करो लिटिल इंटरनेशनल स्कूल, अपोजिट MG गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद, या इन्हें कॉल करो 7417341131 पर, या व्हाट्सएप करो 9870। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता, वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से। प्राथमिक विद्यालय बालक स्टेशन रोड में बच्चे पढ़ रहे हैं गर्मी में, नहीं है लाइट की व्यवस्था। प्रधानाध्यापक हाथ के पंखे से बच्चों पर हवा कर उन्हें पढ़ा रही हैं। जी हां, बता दें उत्तर प्रदेश सरकार का शिक्षा विभाग भले ही छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर लाख बातें करता रहे, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद जिले की, जहां फिरोजाबाद शहर के स्टेशन रोड पर प्राथमिक विद्यालय बालक बना हुआ है। वह भी एक छोटे से कमरे में, जिसमें 34 बच्चे पढ़ने आते हैं। जिस जगह विद्यालय बना हुआ है वह बिल्डिंग किराए की है, जहां कमरे में पंखा तो लगा है, बल्ब भी है, लेकिन लाइट नहीं है। लाइट न रहने की वजह से यह है कि यहां बिजली विभाग से अभी कोई कनेक्शन नहीं किया गया। जिस बिल्डिंग में यह विद्यालय बना हुआ है, उस बिल्डिंग के मकान मालिक ने इसको बेच दिया। उसके बाद जो लाइट का कनेक्शन था वह भी काट दिया गया, और ये स्थिति काफी समय से बनी हुई है। बच्चे यहाँ गर्मी में और अंधेरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्थिति तो ये है कि गर्मी की वजह से 34 बच्चों में से सिर्फ 7 से 8 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। प्रधानाध्यापक तरन्नुम खुद बच्चे बीमार ना पड़े और उन्हें गर्मी ना लगे, इसलिए खुद बच्चों पर हाथ के पंखे से हवा करके उन्हें पढ़ा रही हैं। उन्होंने कई बार अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब हमने प्रधानाध्यापक तरन्नुम से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पहले लाइट का कनेक्शन था, लेकिन ये मकान बिक गया, तब से यहाँ लाइट का कनेक्शन नहीं है। बच्चे काफी समय से अंधेरे में पढ़ रहे हैं और गर्मी में पढ़ रहे हैं। 34 बच्चे यहाँ आते हैं, हमने कई बार अपने अधिकारियों को बताया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। एक दो बार हमने लाइट चुपचाप लगा भी ली है तो बिजली विभाग के कर्मचारी आकर लाइट काट जाते हैं। स्थिति तो यह है कि हमारे उच्च अधिकारी जब यहाँ निरीक्षण के लिए और रजिस्टर चेक करने के लिए आते हैं, तो हम उनको खुद अपने मोबाइल की लाइट जलाकर रजिस्टर चेक करवाते हैं, क्योंकि यहाँ लाइट आती ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरन्नुम है। तरन्नुम जी, कौन से विद्यालय में आप पढ़ाती हैं, किस पद पर हैं? प्राथमिक विद्यालय स्टेशन रोड वालंग में प्रधानाध्यापक के पद पर। अच्छा, यहाँ हमने देखा कि भीषण गर्मी पड़ रही है और एक छोटा सा कमरा है, कितने बच्चे हैं यहाँ? यहाँ 34 बच्चे हैं। अच्छा, कैसे मैनेज होता है, लाइट भी नहीं है, क्या दिक्कत है, लाइट क्यों नहीं आ रही है? लाइट इसलिए नहीं आ रही कि हमारे यहाँ मीटर ही नहीं लगा, मीटर लगा नहीं है। तो हमने कहा भी अपने डिपार्टमेंट में, मीटिंग में भी जाते हैं, वहाँ कहते हैं कि हमारे यहाँ भाई लाइट की व्यवस्था नहीं है, कि डाल लो ऊपर से। जब हम यहाँ से डाल भी लेते हैं तार वगैरह तो चोरी की लाइट। हाँ, तो जे ही लोग आके हमारे मतलब तार हटा जाते हैं, सड़क पे फेंक जाते हैं, 500-700 रुपये की केबल भी मंगाते हैं, कि नहीं यहाँ से नहीं डालने देंगे मैडम, आप जो मीटर लगवाइए। जब मीटर की बात करते हैं तो सब ये कहते हैं कि वो जो आपका विद्यालय जो है प्राइवेट है, मतलब सरकारी नहीं है, सरकारी कैंपस में लग जाता है मीटर, इसलिए विद्यालय तो सरकार की, जहाँ सरकारी विद्यालय नहीं है, जो जैसे भवन किराए का आएगी, और वैसा भवन नहीं है जैसा कि सरकारी में बिल्डिंग में चलता है,
तो इसलिए भैया चुप रहते हैं। हम जेई के पास भी गए थे कॉलोनी, उनसे भी हमने बहुत रिक्वेस्ट करी कि भैया हमें एक दो घंटे के लिए बिजली दे दो, हमारे यहाँ गर्मी में बैठते हैं। वो कह रहे नहीं मैडम, हम नहीं, ये आप काम नहीं कर सकती इस तरीके का। अच्छा, मैंने देखा बच्चों को पंखा से हिला के पढ़ा रही है। हाँ, तो वैसा जब गर्मी होती है तो बच्चे बीमार नहीं पड़ जाएंगे, तो हम पंखा चला दे हिलाते रहते हैं। कब से स्थिति है ये? ये हमारी अब स्थिति है, काफ़ी दिन से चल रही है स्थिति की। सबको मालूम है डिपार्टमेंट में कि इनके यहाँ अंधेरा रहता है। हाँ, सबको मालूम है इनके यहाँ अंधेरा रहता है। कोई सुनवाई नहीं? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हम कहते भी हैं सब, तो यही कहते हैं मैडम कोई समस्या, तो बोलते हैं मैडम आप अपने यहाँ का अंधेरे की व्यवस्था दूर करें। हमारे यहाँ MPRC वगैरह आती है तो हम अपना मोबाइल की टॉर्च चला के उनसे रजिस्टर से काम कराते हैं। उन्होंने भी हमें कोई राय नहीं दी किसी ने किसी प्रकार की। हम उनके सामने भी मोबाइल की टॉर्च चला देते और रजिस्टर पर लिख के फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते। लजीज और टेस्टी खाना खाना है तो आइए अपने नानक फूड कोर्ट एंड फैमिली रेस्टोरेंट पर, जहां आपको मिलेगी टेस्टी और यमी सोया चाप, तंदूरी चाप, टेस्टी पनीर टिक्का, पंजाबी तंदूरी पराठा स्पेशल। चाप बहुत अच्छी है, पनीर टिक्का बहुत अच्छा है और पनीर मुझे बहुत ही गुड क्वालिटी है। मुझे तो नानक फूड कोर्ट का खाना काफी पसंद आता है। कृपया आइएगा जरूर नानक फूड कोर्ट एंड फैमिली रेस्टोरेंट पर। एक बार आएंगे तो बार बार आने का करेगा मन। हमारा पता है दाऊजी रेस्टोरेंट के सामने MG रोड फिरोजाबाद।